हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू बीसी ब्लॉग्स। अगर आप कनाडा में स्टडी परमिट पे है या फिर वर्क परमिट पे है और आप जानना चाहते हैं कि आपके जो एक्सप्रेस एंट्री की जो प्रोफाइल होती है उसके पॉइंट्स अराउंड कितने तक बन रहे हैं पीआर के लिए, सो ये वाला वीडियो आपको डेफिनेटली काम में आएगा, क्योंकि ये वाला वीडियो के अंदर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके गवर्नमेंट का ऑथराइज टूल और उनकी वेबसाइट पे जाके आपको सारी डिटेल में चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे पीआर के जो पॉइंट्स है वो कैलकुलेट कर सकते हो आप अपने खुद के। सो वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसे ही कोई वीडियो फाइंड कर रहे थे और आपको ये वाला वीडियो मिला है तो वीडियो को पॉज कर दो, लाइक वाला बटन दबा दो, सब्सक्राइब का बटन दबा दो, ताकि और भी मैं वीडियो जो अपलोड करता रहूंगा वो आप तक पहुंचते जाएंगे। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो अपने पीआर के जो पॉइंट्स है वो कैलकुलेट करने के लिए आपको इंटरनेट के ऊपर जाना है और आपको सर्च करना है वहाँ पे जाके CRS स्कोर कैलकुलेटर, और जैसे ही आप ये सर्च करोगे आपको सबसे पहली जो वेबसाइट निकलती है गवर्नमेंट की CIC.GC करके, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर लिखा हुआ होगा कि यह कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम टूल है, CRS टूल। सो ये टूल बेसिकली आपको हेल्प करता है कि आपके पीआर के पॉइंट्स ऑन एन एवरेज कितने तक हो सकते हैं कुछ सिनारियो कंसिडर करके, तो वो आप चेक कर सकते हो और ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल टूल है। अब स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये बता रहा है कि ये जो है वो मेनली आपकी प्रोफाइल में ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं आपके जो पीआर के पॉइंट्स है वो। तो सबसे पहला है स्किल्स, दूसरा एजुकेशन, तीसरा है लैंग्वेज एबिलिटी, फोर्थ वन है वर्क एक्सपीरियंस एंड फिफ्थ वन में कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं, वो आगे आपको पता चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप जानना चाहते हो कि एक्सप्रेस एंट्री के कौन से प्रोग्राम हैं, तो बेसिकली तीन टाइप के होते हैं और ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपनी फाइल जो है पीआर की वो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के थ्रू रखते हैं, तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको वो भी सारी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे नीचे मेन चीज़ के ऊपर आते हैं कि शुरुआत यहाँ से होती है, आपको कुछ 10 से 15 क्वेश्चन होंगे वो आपको पूछेंगे और उसके आपको आंसर देना है, और लास्ट में आपको ये जो कैलकुलेट योर स्कोर है वो आपको हाईलाइट हो जाएगा वो ऑप्शन, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये वाले केस के अंदर, इस वीडियो के अंदर कंसिडर करते हैं कि मैं आज से ऑलमोस्ट 1 साल बाद मेरे पीआर की फाइल रख रहा हूँ, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस गेन करने के बाद, तो मेरे पॉइंट्स कितने तक बन रहे हैं। सो चलते हैं आंसर देना शुरू करते हैं। व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस, सिंगल, हाउ ओल्ड आर यू, तो अभी 25 है, 1 साल बाद ऑलमोस्ट 26 हो जाएंगे तो वो डाल रहा हूँ। वट इज़ योर लेवल ऑफ एजुकेशन, एंटर द हाइएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन फॉर विच ब्ला 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 ब्ला। सो ये लोग पूछ रहे हैं कि आपका एजुकेशन लेवल क्या है और आपको उसमें सबसे हाइएस्ट जो है वो सिलेक्ट करना है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मैं इंडिया के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आया था और उसके बाद यहाँ पे मैंने 1-1 साल के 2 PG डिप्लोमा के कोर्सेज करे हुए हैं, तो मेरा जो हाइएस्ट क्वालिफिकेशन बनता है वो सबसे ज़्यादा वेटेज जो डिग्री का है वो बैचलर्स डिग्री है, ये डिप्लोमा का पीजी डिप्लोमा का थोड़ा कम रहता है, तो मेरे को वो भी कंसिडर करना है। तो यहाँ पे जो सारे आंसर है वो सीक्वेंस के वाइज ही दिए हुए कि ये कम है, ये ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। तो मैं जो जिस कैटेगरी में फॉल होता हूँ वो ये वाली है, 2 or more सर्टिफिकेशंस, डिप्लोमा और डिग्रीज, 1 must be फॉर अ प्रोग्राम ऑफ 3 or more ईयर्स, जो था मेरे केस में बैचलर्स वो होता है वो 4 साल का होता है। उसके बाद जाते हैं, हैव यू अर्न अ कैनेडियन डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, स्टडी परमिट भी आता, 2 साल मैंने पढ़ाई करी है, 1-1 साल के 2 कोर्स, यस। अब उसको आपको डिस्क्राइब करना है कि आपका जो लेवल ऑफ एजुकेशन था वो क्या था। तो मेरा 2 साल के पीजी डिप्लोमा थे तो मैं ये सेकेंड वाले में आऊँगा, अगर आपने बैचलर्स वगैरह करी है, मास्टर्स करी है, तो वही सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको पूछ रहा है आपकी IELTS का रिजल्ट, या अगर आपने फ्रेंच में आपको आती है तो उसका भी रिजल्ट। अब सबसे पहले पूछ रहा है कि आपका जो टेस्ट रिजल्ट था वो 2 साल के अंदर का है, तो बोलेंगे यस। उसके बाद हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि जो मैंने इंडिया में IELTS दी थी और जितना मेरा स्कोर आया था अराउंड 7.5 था, तो वो यहाँ पे डाल के देखता हूँ, क्योंकि उससे तो ज़्यादा या उसके जीतने तो मेरे को कॉन्फिडेंस है कि आ सकते हैं। तो स्पीकिंग में मेरे थे 6.5, लिसनिंग में थे मेरे 9, रीडिंग में थे 7.5 और राइटिंग में थे 6.5। तो ये स्कोर डाला हुआ है, मेहनत करोगे तो ज़्यादा भी बढ़ सकता है। उसके बाद पूछ रहे हैं और कोई टेस्ट का रिजल्ट है, तो उसमें नॉट एप्लीकेबल, नो। वर्क एक्सपीरियंस इन द लास्ट 10 ईयर्स, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ स्किल वर्क एक्सपीरियंस इन कैनेडा डू यू हैव, इट मस्ट हैव बीन पेड एंड फुल टाइम और इन इक्वल अमाउंट इन पार्ट टाइम। अब यहाँ पे मेन जो गौर करने की बात हुआ है वो है स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन भी करा हुआ है कि स्किल्ड वर्क इज इन द नॉक
इज टीयर 0, 1, 2, 3 कैटेगरी। सो पहले इन लोगों ने नॉक के अंदर स्पेसिफाई या कैटेगराइज करा हुआ था जॉब के अंदर, अब इन्होंने नॉक को कन्वर्ट कर दिया है टीयर के अंदर। अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी जॉब कौन से टीयर में आती है तो ये वाले लिंक पे जाओगे, आपको पूरा उन्होंने टेबल वगैरह दिया होगा अच्छे से ऑर्गेनाइज करके कि ये जो टाइटल्स होते हैं वो अराउंड ये नॉक में या ये टीयर के अंदर आते हैं। तो मेरी जो जॉब थी वो नॉक, नॉक मेरे मुंह से नॉक ही निकल रहा है क्योंकि हर एक बंदा नॉक ही बोलता है, बट टीयर 3 के अंदर आती है। ये चेंज करना है, हमें टीयर बोलना है नॉक नहीं है। तो वो 1 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास हो जाएगा तब मैं फाइल रखूंगा PR की, उसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद पूछ रहे इन द लास्ट 10 ईयर्स हाउ मेनी टोटल ईयर ऑफ फॉरेन स्किल वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव। तो मेरा इंडिया का जो एक्सपीरियंस था वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, वो ऑलमोस्ट 1 साल का था तो वो लिखेंगे। डू यू हैव सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ कैनेडियन प्रोविंस टेरिटरी और फेडरल बॉडी? नो, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। डू यू हैव अ वैलिड जॉब ऑफर सपोर्टेड बाय लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट LMIA? नो, वो भी नहीं है। गलती से ये सिलेक्ट हो गया, इसको नो कर देते हैं। डू यू हैव नॉमिनेशन सर्टिफिकेशन फ्रॉम प्रोविंस और टेरिटरी? नो। डू यू स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर हैव एटलीस्ट वन ब्रदर और सिस्टर लिविंग इन कैनेडा हु इज अ सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंस? तो अगर आपका भाई बहन या स्पाउस PR है यहाँ पे वो है तो उसके भी पॉइंट्स होते हैं, बट हमारे मेरे केस में नहीं है तो नो डालते हैं। और जैसे आपको दिख रहा है कैलकुलेट योर जो स्कोर है वो बटन जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, और उसके ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि अपने PR के पॉइंट्स कितने बन रहे हैं। पूरा पहले एक्सप्लेन करा हुआ है कि कितने कितने आंसर दिए उसके कितने पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, और अगर एट द बॉटम जाओगे तो ये पॉइंट्स बन रहे अराउंड 480। 480 जो पॉइंट्स है वो ऑन एन एवरेज होते हैं, उतने ज़्यादा हाई भी नहीं है और उतने ज़्यादा लो भी नहीं है। बट एक और चीज़ जो गौर करने की है कि मैंने 2 साल की पढ़ाई करी थी तो मेरे पास 3 साल तक का वर्क परमिट है, तो मैं 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेके भी मेरे PR रख सकता हूँ। और उस वाले केस में ये जो था 1 साल उसको हम सिलेक्ट करेंगे 2 साल, और अब वापस से कैलकुलेट कर सकते हो आप कि अब कितने तक हो रहे हैं अगर 2 साल के बाद PR के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो अभी पॉइंट्स बन रहे हैं 505, तो 2 साल के बाद और ज़्यादा पॉइंट्स बन गए तो प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। थोड़ा बहुत फैक्टर्स ऊपर नीचे कर सकते। और ये चीज़ शेयर करने का रीज़न एक ही था कि आपको पता चल जाए कि आपको किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, और आपके PR कौन से, अगर प्रोविंस में PMP के थ्रू हो सकते तो आपको प्रोविंस चेंज करने का भी पता लग जाए, या IELTS में ऑलरेडी प्रिपरेशन अच्छे से करने का आइडिया लग जाए। एंड दैट्स एवरीथिंग फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर कभी मिलता है ऐसे किसी ब्लॉग के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।